हमारी कई वीडियोस हैं रिस्ट ड्रॉप के ऊपर या रेडियल नर्व इंजरी के ऊपर। ऐसे ही ये पेशेंट हैं, उसको देखकर आए हैं हमारे पास। इनको 4 से 5 महीने हो गए हैं, ये बाइक से गिर गए थे, उसके बाद इनका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और बताया जा रहा है कि नस अपने आप ठीक हो जाएगी। और आज जब इनको देखते हैं तो ये हाथ को जब ऐसे कहते हैं तो यहाँ सब कुछ मुड़ रहा है, लेकिन जब इसको कहते हैं इस हाथ को ऊपर उठाओ तो ये हाथ उठना बंद हो गया है। जब कहते हैं उंगलियों को ऊपर उठाओ तो ये उंगलियाँ ऐसे उठनी बंद हो गई हैं। अंगूठे कहते हैं ऊपर उठाओ तो अंगूठा ऊपर उठना बंद हो गया है। तो जब भी किसी का हाथ ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी पावर ख़त्म हो गई है, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, उंगलियां खुल नहीं सकती और सारे टाइम हाथ ऐसा लटका हुआ है। तो ऐसे पेशेंट जैसे ही लेट हो जाते हैं तो उनका रिज़ल्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जैसे कि ये थे कि अगर उसी दिन ही अगर इनकी माइक्रो सर्जरी होती तो शायद वो नस रिपेयर हो सकती थी, क्योंकि इनकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। अब वो नस कितनी डैमेज है तो ग्राफ्ट हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने भी आपका किया है वो ऑपरेशन गलत किया है, क्योंकि हर किसी ने अपने एक्सपर्ट में अलग अलग टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज भी हम इनकी यहाँ की नस देख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उनकी नस को देखा तो वो यहाँ से यहाँ तक आना इतने टाइम में संभव नहीं है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना ज़रूरी है यहाँ से टेंडन ट्रांसफ़र का, जिससे इनका रिज़ल्ट अच्छा हो जाए और पावर थोड़ी सी बेटर हो जाए और चीज़ें काम करने लगें और उंगलियाँ थोड़ी उठने लगें और अंगूठा उठने लगे और रिस्ट की स्टेबल हो जाए, जिससे अपनी चीज़ों को पकड़ सकें, बाइक चला सकें। तो इनका ये ऑपरेशन करने के लिए रेडी है और आज हम इनका ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऐसे हमने 2-3 दिन पहले भी ऑपरेशन किए हैं और आज से 6-7 महीने बाद ये बिल्कुल ऐसे खड़ा होकर काम कर रहेगा। हमको इनके ऊपर विश्वास है, हमारा 4 महीना हो गया गिरे हैं बाइक से, तब से कलाई काम नहीं कर रहा है। हाँ, अब एक बोले हैं ऑपरेशन करने के लिए, उसके बाद अब इनके ऊपर भरोसा है। हाँ, देखेंगे कितने दिन के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद वीडियो बनवाओगे जब ठीक आ जाएगा। हाँ, एकदम बनवाएंगे, बनवाएगा ठीक है।